हेलो फ्रेंड, इस नाज मल्टी क्रिएशन क्लास आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेस मोती की लेस बनाना सीखेंगे क्रोशिए की मदद से। क्रोशिए की मदद से हम मोती की लेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने दो कलर के मोती लिए। फूल बनेगा तो बीच में सेंटर में एक ये मोती आएगी और सिक्स बेडेड आपस में इस तरह का हम फूल बनाएंगे। तो क्रोशिया की मदद से बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्रोशिया 4 नंबर का लिया है। इसका पॉइंट बिल्कुल बहुत बारीक है, इतना बारीक है पॉइंट, बारीक पॉइंट का हमको क्रोशिया लेना है। इसके लिए हम जरी की जो सुई आती है झींक की, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये दोनों मोतियों को इस तरह कसब में पहले भिगो कर रखा हुआ है। ये एक फूल का एक हिस्सा है ना, इस तरह मैंने हर बार एक गोल्डन और 6 रानी पिंक मोती प्रो कर रखी है। अब इसको हम क्रोशिए की मदद से इसमें लेस बनाएंगे। ये लेस हम बारीक लेंगे क्रोशिए की मदद से लेस बनाएंगे। ये लेस जो रहेंगे हम दुपट्टे में या हमारे फ्रॉक में, आस्तीन पे, स्लीव्स पे, जिस पे भी हमको लगाना है उस पर हम लगा सकते हैं। बारीक एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन बनेगी। इसके लिए हम पहले क्रोशिए से एक जंजीर बनाएंगे, चेन बनाएंगे एक इस तरह। फिर गोल्डन मोती को छोड़कर जो ये 6 रानी पिंक मोती है, उसको सबको एक साथ में एक मरतबा लेकर चेन बनाएंगे इस तरह। चेन बनाएंगे सर्कल बन गया। 6 मोती का, 6 बेडेड रानी पिंक का एक सर्कल बना। अब बीच में जो सेंटर में हमको ये गोल्डन मोती लगाना है, तो हम इसको साइड में इस तरह ये खुद हो जाएंगे इस तरह। ये जो हमारा क्रोशिए के नीचे गोल्डन मोती लेकर एक चेन बनाएंगे वापस से। चेन बनाकर इस मोती को इसमें डाल देंगे सर्कल में, और दोनों साइड से 3 मोती के बीच से, सेंटर से 3 मोती के बीच के सेंटर से हम इसको मोती का सर्कल हमारा ये बना। उसके बाद मैंने गोल्डन मोती पे एक चेन बनाई और गोल्डन मोती को बीच सेंटर में इसमें लाना है, और दोनों साइड से 3 मोती के बीच से, रानी पिंक मोती के बीच से हमको इस तरह एक चेन बनाना है। अंदर से क्रोशिया लेकर इस तरह चेन बनाना है। देखिए इस तरह ही हमारा एक फूल बन गया। हम इसी तरह आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। एक चेन बनाएंगे हम यहाँ पर आगे फूल बनाने के लिए। क्रोशिए के कसम में पहले से हमने मोती पुरो कर रखा है 6 रानी पिंक और एक गोल्डन। इस 6 रानी पिंक को एक साथ में पूरा लेकर एक सर्कल बनाना है इस तरह। ये सर्कल बन गया। अब गोल्डन मोती का एक चैन में उसको फिट करना है इस तरह, और गोल्डन मोती को बीच में इसमें ज्वाइंट करना है। बीच में ला कर दोनों साइड से 3 मोती का गैप लेकर चैन को एक चैन बनाना है इस तरह। एक चैन बना देना है।
इसी तरह ये मोती की लेस बनती जाएंगी। एक सर्कल बना, उसके बाद में एक गोल्डन मोती, उस पे एक चेन बनाएंगे, फिर इसको इसमें इस तरह बीच में लाएंगे। मोती को हम अपने हाथ से इस मोती को इसको बीच में लाएंगे सेंटर में, और दोनों रानी साइड में तीन तीन रानी पिंक मोती लेकर गेप से इस तरह बीच में से एक चेन बना देंगे। देखिए तीसरा भी बन गया। गोल्डन मोती को हाथ से हम बीच में लाएंगे रानी पिंक के सर्कल में, और दोनों साइड से तीन तीन मोती के गेप से क्रोशिया को डालेंगे इसमें, और एक चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह ही हमारा मोती के लेस बन रही है। ये हम किसी भी चीज में टांग सकते हैं, फ्रॉक में, दुपट्टे में, है ना। उसको उसके लिए मैंने मोतियों का पहले से पुरो कर रखा हुआ है। अगर हम मोती कम ज्यादा लेकर भी फूल छोटा बड़ा कर सकते हैं। सिक्स मोती का ये सर्कल बनाना है इस तरह, सबको थोड़ा साइड में करके गोल्डन मोती पे एक जंजीर बनाना है, और गोल्डन मोती को हाथ से ही इस तरह बीच में लाकर दोनों साइड से तीन तीन मोती का बीच में एक चेन बना देंगे इस तरह। ये मेरा ये बैक साइड दिख रहा है, ये आगे का है इस तरह, ये आगे का साइड है। बैक साइड पे कसब जंजीर बनी हुई दिखेगी, ये फ्रेश दिखेगा। दो मोतियां कम ज्यादा भी ले सकते हैं। Next.
ये इस तरह हमारी लेस बन रही है, इस तरह हमारी फूल वाली क्रोशिये से मोती की लेस बना रहे हैं। बेडेड लेस इस तरह बना रहे हैं। सिक्स रूट रानी पिंक मोती पुरोया है, उसका सर्कल बनाएंगे क्रोशिये से चैन बनाकर। उसके बाद हम इस तरह सर्कल पहले बनाएंगे, चैन बनने के बाद उसको हम सर्कल में लाएंगे और क्रोशिये को और कसब को बीच सेंटर में करेंगे। इस तरह दोनों साइड से तीन तीन रानी पिंक मोती हो जाएंगी और हमारा एक और चैन बनाएंगे हम उसमें से। क्रोशिये को अंदर डालेंगे और एक चैन बनाएंगे जिससे हमारा एक फूल बन जाएगा। आस्तीन पर लगाना है या गले पर या दुपट्टे पर, जितनी लेस हमें की लेंथ चाहिए वो हिसाब से हम पहले मटेरियल कसम में पुरो ले। इसको हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी ही पुरोई है क्योंकि मुझे इसको गले पर टाँकना है, गले पर स्टिच करना है। सिक्स से ये रानी पिंक मोती है, वीडेड है। इसको मैं पहले एक सर्कल इस तरह बना रही हूँ, फिर कसब को इस तरह घुमाकर एक गोल्डन मोती पर एक जंजीर बनाऊंगी, स्टिच करूंगी। इस तरह एक चैन बनाया गोल्डन पे, बीच में इसको लाई और कसब के जरिए दोनों तरफ तीन तीन मोती का हिस्से के बीच में से एक चैन बनाया। इस तरह ये हमारा एक फूल तैयार हो जाता है। ये फिर हम अभी इस तरह बनाते जाएंगे। Thank you.
क्रोशे की मदद से एक चैन बनाएंगे इस तरह। अभी हमारा एक फूल मुकम्मल रहेगा। मैं इसको छोटे फ्रॉक पर गले पर लगाने वाली हूँ, तो मेरी ये लेस इतनी तैयार हो गई। आप अपने जिस चीज पर भी बनाएंगे उसकी लेंथ के हिसाब से मोती कसम में पहले पुरो लें और उसके बाद में उसको बनाएं और फिर कपड़ों पर स्टिच करें। मैं इसको इस तरह फिनिश कर दूंगी। ये मेरा नट लग गई, ये फिनिश हो गई। इस तरह ये लेस हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह हमारी लेस कंप्लीट हो गई।